भी आपने वीडियो देखी होगी हैदराबाद टूर, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सफ़र किया है और लोगों की फरमाइश भी थी, दोस्तों की फरमाइश भी थी कि यार आप अपना व्लॉग बनाए, तो मैं बस ये है कि टूर में था हैदराबाद के, तो वो मैंने बना लिया था। अच्छा, अब मेरा कहना ये है कि अभी इंटरनेशनल टूर पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में निकलूँगा यहाँ से, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंटरनेशनल टूर जो है करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अगर पासपोर्ट बना हुआ है आपका, थोड़ी सी आपको ट्रैवल हिस्ट्री करनी है, मतलब ये कि थाईलैंड चले गए, श्रीलंका चले गए, दुबई का ट्रिप कर लिया और मलेशिया चले गए, उसके बाद यूरोप का वीज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जैसे मेरा अभी हाल में ही मेरा शेंजन वीज़ा लगा है, थैंक्स टू MRT ट्रेवल्स, उसामा बेस्ट ऑफ टू यू। मेरा MRT ट्रेवल ने शेंजन वीज़ा लगवा दिया, UK का वीज़ा लगा हुआ है, US का वीज़ा लगा हुआ है, तो मैं ये वर्ल्ड टूर जो है मैं 10 दिन में पूरा कवर करूँगा। ये बात नहीं है कि मैं इतने शॉर्ट टर्म के लिए क्यों जा रहा हूँ, मेरा अपना काम है, अपना बिज़नेस है रियल इस्टेट का, तो छोटी मोटी छुट्टी वगैरह आ जाती है तो उसको वेकेशन को मैं अवेल कर लेता हूँ। अब मैंने ये ट्रिप जो है वो इस तरीके से अरेंज किया है कि चले पहले मैं आपको वीज़ा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने छोटे से ट्रिप करने हैं, इसके बाद आपने जो है शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। 26 ममालिक हैं, 26 ममालिक में से आप किसी में भी अप्लाई कर दें, आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। नंबर एक, अगर आप 40-50 हज़ार भी आपकी सैलरी है और आप मूड कर रहे हैं वेकेशन का 8-10 दिन का, 15 दिन का, तो शेंजन वीज़ा लग जाएगा 26 ममालिक का। मैंने जैसे लगवाया है जर्मनी से, तो मुझे जर्मनी में ही एंट्री करनी पड़ेगी। जर्मनी के वीज़ा के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मस्ट है। अगर आप जितना ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप उसमें शो कर रहे हैं कि मेरा 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है, तो आपके पास अकाउंट में कम से कम 5 लाख रुपये होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, आपका बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट, आपके FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप मैरिड हैं, आपके फैमिली में ये मेंबर हैं और आप जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मोस्टली पीपल जो है ना टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, और मैंने भी टूरिस्ट का अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से मैंने तो 7 दिन का अप्लाई किया था, मुझे 1 महीने का मिल गया मल्टीपल। अब बात यह है कि आपने शॉर्ट एक्सपेंस में, कम एक्सपेंस में, अपने बजट में रहते हुए, अब जो मैंने टिकट करवाई है, मैंने आपने प्लान करने 2 महीने पहले, मैंने जो टिकट करवाई है वो कराची से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से फिर मैं बाय रोड या बस, मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि यूरोप पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, मैंने क्या प्लान किया हुआ है। तो आपने बाय ट्रेन बस होते हुए, आपने अगर UK का वीज़ा आपका लग जाता है तो आप ट्रेन से होते हुए, बस से होते हुए लंदन आ गए, जैसे मैंने प्लान किया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट से मैं जाऊंगा इटली में रोम जाऊंगा, रोम से मैं स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिक के बाद जो है मैं आ जाऊंगा पेरिस के बाद मैं जाऊंगा बेल्जियम में ब्रसल्स के बाद मैं जाऊंगा एम्स्टर्डम से मैं फेरी लेके, या ब्रसल्स आके फेरी लेके मैं लंदन आ जाऊँगा। तो ये मेरा तकरीबन 7 दिन का टूर है यूरोप का, और मैं यूँ समझ लें कि एक बैकपैकर हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मुझे होटल्स रूम वगैरह करने की, अगर आप लेते हैं Airbnb पे आप चले जाएँ, booking.com पे चले जाएँ, Agoda पे चले जाएँ, वहाँ से आपको बेड स्पेस मिल जाते हैं, $6-7 में मिल जाता है। तो ये तकरीबन समझ लें कि मुझे जो टिकट पड़ी है ना, वो पड़ी है लंदन के बाद मैं जाऊँगा US, और मैंने करवाई है तुर्किश एयरलाइन इकनॉमिकल भी है और बजट में भी आती है, आपको स्टे भी मिलता है इस्तांबुल में अगर आप लेना चाहें, वरना आप अगर शेंजन वीज़ा आपका लग जाता है या तुर्की का वीज़ा लगवा लेते हैं तो शेंजन वीज़ा भी लग जाएगा, कि आप कहें कि भाई मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, इस्तांबुल जा रहा हूँ, वहाँ से मैं
अब जिस कंट्री का भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके बारे में थोड़ी आपको मालूमात होनी चाहिए। जैसे आप जर्मनी जा रहे हैं, जैसे मैं जर्मनी जा रहा हूँ, तो जर्मनी में क्या है, आप क्या देखेंगे, आप क्यों जा रहे हैं, विज़िट करेंगे कोई आपको एग्ज़िबिशन है उसके लिए जा रहे हैं, या कोई आपने घूमने की जगहें कौन कौन सी हैं, वो आपने सब इंफॉर्मेशन आपको गूगल से मिल जाएगी, वो आप ले लें। ठीक है, बाद में जाऊँगा लंदन से इस्तांबुल वापस आ जाऊँगा, वहाँ 3-4 दिन स्टे करूँगा, घूमूँगा फिरूँगा, फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगा न्यूयॉर्क। ठीक है, मेरा US का वीज़ा लगा हुआ है, 5 साल होने वाले हैं, तो मैंने अवेल नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि इस वीज़े को अवेल कर लूँ। आप जो वीज़ा लगवाते हैं उसको अवेल करना ज़रूरी होता है, वरना वो ये समझते हैं कि हम लोग तरसते हैं हमारे मुल्क के वीज़ा के लिए, वो ट्रैवल नहीं करते। तो मैंने US का भी ट्रिप कर लिया साथ में, और मुझे टोटल टिकट कितने की पड़ी है, तुर्किश एयरलाइन की कराची फ्रैंकफर्ट लंदन इस्तांबुल इस्तांबुल न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क इस्तांबुल इस्तांबुल कराची, ये 1,40,000 रुपये की पड़ी टोटल ट्रिप। अब मैं अगर निकलता हूँ 10 या 12 अप्रैल को, तो मैं तकरीबन 25 अप्रैल 26 अप्रैल को वापस अपने घर आ जाऊँगा। तो ये मैंने प्लान किया हुआ है, आप भी अपना प्लान कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, आपने होटल बुकिंग करानी है जो booking.com से हो जाती है, डमी बुकिंग हो जाती है, उसके बाद आपने फ़्लाइट करवानी है, आप जिससे भी करवाना चाहें, ट्रैवल एजेंट जो भी आपका हो उससे बोलें भाई ये टिकट करानी है, वीज़ा करवाना है, तो ये आपका वीज़ा अरेंज कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब ट्रैवल एजेंट आपके अरेंज कर देंगे। साथ ही साथ आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जितना आप ट्रैवल कर रहे हैं उतने दिन की आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, बैंक सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, NIC आपका लेंगे, और हर पेज की आपने पासपोर्ट जो भी ट्रैवल किया उस पूरे पासपोर्ट की आपको हर पेज की कॉपी उसके साथ अटैच करनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तुर्किश एयरलाइन इकोनॉमिकल है, मैं प्रेफर करता हूँ तुर्किश एयरलाइन, वहाँ का वेदर भी अच्छा है। अगर आप एक दिन स्टे करना चाह रहे हैं, और अगर आप शेंजन या UK वगैरह जा रहे हैं, तो वो आपको एक दिन स्टे भी दे देते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा भी दे देते हैं, आप स्टे कर सकते हैं, होटल भी दे देते हैं, तो एक अच्छा आपको तुर्की में इस्तांबुल के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मैं भी लास्ट मंथ ही मैं फैमिली के साथ गया था, उम्रे पर गया था, और तुर्की में रहा हूँ 6-7 दिन, उसके बाद ही मुझे ख्याल आया कि मैं जो है थोड़ा सा अपने ट्रैवल को एक्सप्लोर करूँ, लोगों को बताऊं कि क्या इकोनॉमिकल बजट में हो सकता है। आप बैकपैकर एक छोटा सा बैग ले लें जिसमें 6-7 दिन के आपके कपड़े हों, कोई हैंड कैरी, आप ट्रॉली बैग ले लें या कोई सूटकेस ले लें, इससे फिर हर्डल्स बहुत आती हैं। अगर आप सिंगल सोलो ट्रैवलर हैं तो आप अपना इसमें ट्रैवल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप यूरोप जाकर कितना क्या क्या किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे मैं इंस्पायर हूँ इरफान जुनेजो से, उसने जो वीडियो बनाई है 96 आवर्स इन इस्तांबुल इन तुर्की, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना भी ट्रैवल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके।